हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान दीजिएगा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज 4000 इन 2 इयर्स व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। यहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है बट विदाउट यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप क्या करते हो कि एक साल का निकालते हो सिंपल इंटरेस्ट, फिर प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं और वही जो प्रिंसिपल अमाउंट आता है उसी अमाउंट को हम दूसरे साल में यूज़ करते हैं एज ए प्रिंसिपल। तो पहले हम निकालेंगे इसका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100। तो आपको प्रिंसिपल पता है 4000 है, सो 4000 मल्टीप्लाइड बाई आर मीन्स 5% इनटू 1। एक साल का हम निकालेंगे पहले सिंपल इंटरेस्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से 520 मीन्स 200 रुपीज़। तो 200 रुपीज़ आ गया आपका सिंपल इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट ईयर। तो अब निकालेंगे अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है, अमाउंट एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर। तो जो अमाउंट होगा आप जानते हैं क्या होता है, पी प्लस एस आई, मैंने प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाता है अमाउंट। तो प्रिंसिपल आपका है 4000 प्लस 200 मींस हो जाएगा 4200 रुपीज़, ठीक है। ये एक साल के अंत में अमाउंट आ जाएगा, ठीक है, और इसी अमाउंट को प्रिंसिपल मान करके हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का, अगेन क्योंकि 2 साल का निकालना है आपको, ठीक है, इन 2 ईयर्स। तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, ठीक है, सेकेंड ईयर मैंने दूसरे साल का हम अलग से निकाल रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो जो प्रिंसिपल पी यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे यही, ये प्रिंसिपल यूज़ करेंगे, जो अमाउंट निकला है हमारा सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर के एंड में दैट विल बी यूज्ड एज अ प्रिंसिपल इन फॉर द सेकेंड ईयर। तो पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, तो यहाँ पर पी क्या है 4200 मल्टीप्लाइड बाई 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड फॉर द वन ईयर, क्योंकि सेकेंड ईयर भी तो वन ईयर है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 जो 10 एंड 5 4 जो 20 21, 210 रुपीज़। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यदि आपको निकालना है तो आप यहीं पर आंसर आपको मिल चुका है 200 जो सिंपल इंटरेस्ट निकला था पहले साल का और जो सिंपल इंटरेस्ट निकला है दूसरे साल का, उन दोनों को यदि ऐड कर देंगे तो आपका निकल जाएगा कितना 200 प्लस 210, और यही निकालना था आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, सो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 14 410 रुपीज़। दिस इज़ योर आंसर, ओके लेकिन आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाना तो आप निकाल सकते हैं अमाउंट एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर के एंड में यदि आप निकालना चाहते हैं अमाउंट, तो जो प्रिंसिपल आया यहाँ पर ये 4200 प्रिंसिपल है, उसमें हम एस आई ऐड कर लेंगे, तो प्रिंसिपल कितना है 4200, ये पिछले मतलब कि सेकेंड ईयर में जो यूज़ किए हैं, प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो निकला है वो 210 है, ऐड कर देंगे तो मिलेगा 4410, ठीक है 4410। और आफ्टर दैट हम कन्वर्ट कर लेंगे CI, तो CI बराबर होता है क्या, अमाउंट में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल, लेकिन यहाँ पर जो प्रिंसिपल यूज़ करेंगे वो निकल हम यूज़ करेंगे शुरू वाला जो 4000 था, तो अमाउंट कितना आया 4410 में से माइनस कर देंगे प्रिंसिपल जो कि बिगनिंग वाला 4000, ठीक है। तो ये आपका फाइनल जो है टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा 410 रुपीज़। दिस इज़ द सिंपल इंटरेस्ट, या फिर आप चाहें तो फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और सेकेंड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट यदि ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऐसे निकालते हैं हम विदाउट यूजिंग फार्मूला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।